हूँ सुमित ऑफिशियल। और आपको बताएं, जब मेरा मन ठीक होता है ना तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है कि मैं बैठूं या कुछ भी करूं। अभी मुझे अच्छा लग रहा है तो मैंने सोचा कि अभी रानी भी आई हुई है, रवीना भी है, दोनों मिल जाएंगी और मिलके मेरा एक जो काम है वो हो जाएगा, जो मैं बहुत समय से सोच रही थी करने के लिए। और मैंने आज ये वाला पहना हुआ है, ये सब मैंने मंगाए थे उस टाइम के लिए कि जब लूज ज़रूरत पड़ती है पहनने के लिए लॉन्ग। तो अब रिटर्न भी नहीं किया क्योंकि इसका जो टाइम है वो निकल चुका है, तो रिटर्न भी नहीं हो सकता है। तो फिर मैंने सोचा कि इसको अभी डेली पहन जाती हूँ, क्योंकि अभी आजकल ना मुझे बहुत सफोकेशन सा रह रहा है और मेरे को पेन भी रह रहा है सर में बहुत ज़्यादा। उसका रीज़न ये भी हो सकता है ना कि उसकी वजह से हो रहा है, इंजेक्शन की वजह से, क्योंकि ना मुझे इस बार दो इंजेक्शन लगे थे बैक साइड पे। एक तो उस सुन कर दिया था जब बेहोश किया था तो लगा था आया है कोई आंटी। सो अभी मैं, कौन है रवीना? वो आंटी जो आती थी शाम को मालिश करने वाली। अच्छा, सो मैंने सोचा कि ये कर लूँ। मेरी ना ये सब साड़ियाँ हैं, सब ऑर्गेनाइज ही रखी है। ये जो साड़ियाँ ना, ये सब मेरी शादी की साड़ियाँ हैं और ये वो साड़ियाँ हैं जो मैं, मतलब एक वो बता रही हूँ, आइडिया बता रही हूँ, इसमें कोई शो ऑफ कोई नहीं है क्योंकि आजकल हर एक इंसान के पास होता है। मतलब ये जो साड़ियाँ ये 5000 प्लस हैं, मतलब 5000 से ऊपर की हैं। एक आध इसमें तीन की भी होगी, चार की भी होगी। सो ये जो साड़ियाँ ना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छे से नहीं ऑर्गेनाइज है बहुत समय से। और मेरी मतलब साड़ियों का जो ये कलेक्शन है, ये पता नहीं कैसे मैं आपसे भी सब कभी शेयर करूँगी आराम से बैठ के। और ये मेरी साड़ियों में से 100 में से 20% साड़ियाँ हैं ये, बाकी मैंने बेड में रखी है, बाकी मैंने और अलग अलग जगह रखी है। ये वो साड़ियाँ जैसे, मतलब होता है ना कभी कभी नीचे से है पूरा कि भारी साड़ी जैसे हो कभी कभी, कि मतलब अचानक से कुछ भारी निकालो, पहनो और चले जाओ। इनमें से कई ऐसी नई साड़ियाँ जो मैंने आज तक पहनी नहीं है, वो भी मुझे अलग करके रखना है क्योंकि हमारे घर में अभी आने वाले समय में बहुत सारे फेस्टिवल, बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो उसके लिए मुझे देखना है कि क्या क्या मेरे पास ऑलरेडी है और मुझे क्या क्या खरीदना पड़ेगा, तो वो भी मैं सब अलग करके रखूँगी जो कि बाद में देखा जाएगा। सो पहले मैं करा ले रही हूँ मालिश, और मालिश करा के आऊँगी उसके बाद ये सब करती हूँ और ये निकाल दूँगी। इसकी वजह से ना मैं और ज़्यादा कपड़े, मुझे लग रहा है, नहीं रख पा रही हूँ। ये निकाल दूँगी, ये हैंगर भी निकाल दूँगी, फिर मुझे लग रहा है साड़ियाँ और मैं ऊपर तक रख दूँगी, है ना। ये भी सब निकाल दूँगी। चलिए मालिश करा के फिर आके ये करते हैं। मेरी कुछ साड़ियों को तो मैंने इस तरीके से ड्राई क्लीन करा करा के रखी हुई है, सारा ऐसे इधर उधर बिखरा हुआ है, जैसे लग रहा है कि कितने दिन हो गए कुछ भी, मतलब मैंने ठीक से कुछ भी नहीं किया। ये पता है, ये साड़ियाँ ना ले लो उस टाइम पे तो ले लो कि फंक्शन है, ये है वो है, उसके बाद से ये सब ऐसी रखी रहती है और समझ नहीं आता है किसको दें, क्योंकि एक बार ना पहन लिया है तो किसी को देने में भी अजीब लगता है। ससुराल साइड तो बहुत अजीब लगता है। बनारस से लेके आई थी मैं साड़ी, और नई साड़ियाँ हैं अपनी वो अलग करूँगी, और सारी जो ये मेरी शादी में चढ़ा था साड़ी तब का, ये मैंने बहुत पहना है। ये साड़ी मैंने ना शुरुआत दिनों में सवा महीने कंटिन्यू साड़ी पहना था, तो ये वाली साड़ी तो मैंने बहुत पहनी है, बहुत ज़्यादा। और ये साड़ी है, आप देख सकते हो, ये वाली ना मेरे भाई ने राखी पर दी थी, मेरी दूसरा ही राखी था, तो ये मेरे भाई ने दी थी मुझे। इसके बाद ना येलो हैवी सा ब्लाउज है, मैं ब्लाउज भी सब आज एक जगह करके रखूँगी ताकि इजी हो जाए। और ये साड़ी भी इतनी हल्की है, ये साड़ी भी मैंने बहुत पहनी है। उसके बाद ये तो कोलैबोरेशन की है, नेट की साड़ी, अभी वैसे इसको मौका एक ही बार मिला है पहनने का, वैसे नहीं पहना है। ये मेरी नई साड़ी है सिल्क की, जो कि मेरे घर से आया था, छठपूज किस में आया था, खिचड़ी में, अभी क्या गया है हाल फिलहाल पीछे, होली, हाँ उसी में आया था। सो अभी ये नई है, देखते हैं इसका कब मुहूर्त बनता है पहनने के लिए। आजकल कोलैबोरेशन की साड़ी इतनी आ जाती है ना कि नई साड़ी पहनने का मौका ही नहीं मिलता। उसके बाद मेरी एक ये और बनारसी साड़ी है नई बिल्कुल, जो कि बनारस में गई थी तब मैंने दो साड़ी ली थी, एक ये वाली और एक ये वाली। ये वाली तो मैंने पहन ली है और ये वाली अभी रखी हुई है, इसको देखते हैं कब मिलता है मौका पहनने को।
नई साड़ी सारी एक जगह रखती हूँ, और मेरी सारी साड़ियों में से सबसे ज़्यादा कॉस्टली साड़ी एक ये वाली है बनवी, ये जो ये प्योर सिल्क का है, प्योर सिल्क ये साड़ी थी कितने की, 16,000 की 13,000 की ऐसी थी, 16,000 की 13,000 की साड़ी थी। ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे और इसके टूर से बाहर गए थे साउथ साइड, तो वहाँ से लेके आए थे। ये मैंने अच्छे से ड्राई क्लीन करा के और रखा हुआ है। गुड गर्ल बनो ना धनी। और गाइस ये मेरी वो साड़ी है जो मैं पहली बार अपने ससुराल मायके गई थी शादी के बाद, ये साड़ी भी बहुत अच्छी लगती है, तो ये वो साड़ी है। इसकी मैं फोटो डाल दूंगी, अभी ओपन करके नहीं दिखाने वाली, काहे कि फिर खराब हो जाता है। उसके बाद मेरी सारी महंगी सिल्क कलेक्शन भी मेरे पास बहुत सारे हो गए हैं। सो ये वाला हमने लिया था नंदी से जो साउथ एक्स में है, वहाँ से लिया था। और ये मेरा करवा चौथ, पिछले से पिछले करवा चौथ पे मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड दोनों ने मिलके गिफ्ट किया था। और इसका मैं प्राइस आपको बता दूं कि ये मुझे 14,000 की थी, एंड इसका जो ब्लाउज है मैंने 2500 का सिलवाया था। पहला ऐसा ब्लाउज है गाइस। जिसको भी वीडियो शो ऑफ लगे या कुछ भी ऐसा लगे वो प्लीज़ स्किप कर दीजिएगा बिना कुछ नेगेटिव चीज़ें बोले, क्योंकि मेरी बहुत सारी ऑडियंस ने रिक्वेस्ट किया था ये वीडियो शेयर करने के लिए, इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ। और बाकी अगर आपको अच्छे से डीपली देखना हो, एक एक साड़ी को अच्छे से डिज़ाइन देखना हो, तो आप वो भी कमेंट कर देना, मैं वो भी दिखा दूँगी। सो ये ब्लाउज़ मैंने पहली बार क्लाउड टेलर से 2500 का स्टिच कराया था, अदरवाइज़ मैंने आज तक इतना महंगा ब्लाउज़ बिल्कुल कभी स्टिच नहीं कराया। इसका अच्छा है, अलग थोड़ा सा है, बट हाँ ब्लाउज ही तो। उसके बाद मेरे पास अभी इतनी सारी नई नई साड़ियाँ हैं ना, तो मुझे एकदम एक्साइटमेंट रहती है, लेकिन जब मैं पहनने के लिए सोचती हूँ तब मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ नया है ही नहीं, मुझे कुछ नया लेना है। सो ये है एक और मेरी साड़ी जो कि नेट की है, और ये हमने अरुण वस्त्र भंडार से ली थी, ये 8,000 समथिंग की है। अच्छे से दिख रहा है सब कुछ अभी साड़ी का, अच्छे से लुक दिख रहा है, थोड़ा पास से भी दिखा देना अगर वैसे ना दिखे तो। सो इसका मैंने सारा ब्लाउज़ वगैरह सब कुछ बनवा के रखा हुआ है। ये इस साल मम्मी ने मुझे किस पे, छठ पूजा के टाइम पे दिलाई थी, मतलब मैंने ही ली थी, मम्मी साथ में थी, तो उस टाइम पे ये मैंने लिया था। मुझे करवा चौथ के टाइम पे पैसे दिए थे मम्मी ने और भाभी ने दोनों ने, तो उस पैसे से मैंने ये साड़ी ली थी। मतलब पैसे 2-3 हज़ार रुपये मैंने अपने पास से मिलाए थे, नहीं 5,000 मम्मी ने दिया था, 1,100 भाभी ने दिया था, तो 6,000 थे मेरे पास और मैंने 2,000 अलग से मिलाए थे, तो इस ये साड़ी आई थी। और इसका मैंने ब्लाउज पेटीकोट सब बनवा लिया है, देखते हैं कब इसका मुहूर्त आता है इसको पहनने का, बट जल्दी ही अगर कुछ आएगा तो मैं इसको पहनूंगी। मैं आपको पता है कंटिन्यू बोल नहीं पा रही हूँ, मेरा दम ऐसे सांस फूलने लग जा रहा है एक साथ बोलने में, बट मैं धीरे धीरे सोच रही हूँ अपना सारा जो काम है वो सब कुछ धीरे 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 करूँ, और पहले की तरह मैं सिर्फ पॉजिटिविटी के साथ अपने चैनल पे वापसी करूँ और अच्छा अच्छा सब कुछ शेयर करूँ। उसके बाद मेरे पास ये रेडी टू वेयर एक साड़ी है जिसका आज तक मुहूर्त नहीं निकला पहनने का, पता नहीं कब पहनूंगी मैं ये भी। ये जब उस टाइम पर बहुत ज़्यादा रेडी टू वेयर साड़ी चल रही थी मैंने तब लिया था, और अभी तक नहीं पहनी हूँ। इसको तय कैसे लगाते हैं यही नहीं समझ में आता है, हमेशा ये खराब ही हो जाता है। वाओ, तो ये देखो गाइस पन्नी मिल गया, मैं कब से ढूंढ रही थी कि मुझे पन्नियाँ मिल जाए जिसमें मैं ये साड़ी अपनी अच्छे से करके रख दूँ, जो नई नई है एटलीस्ट उसको तो मैं अच्छे से रख दूँ कि कभी कुछ ऐसा फंक्शन कुछ वो हो तो निकालो और पहन लो, प्रेस कराना तो पड़ता ही पड़ता है। चलो फाइनली मुझे ये पॉली बैग्स मिल गए, तो मैं इसमें कर करके अच्छे से अरेंज करके रख देती हूँ, है ना। सूट भी है अभी मेरे पास नए, ये मैं गांव गई थी तो मेरी जो बड़ी मामी है उन्होंने दिया था, इसको मैं एक साइड रखती हूँ क्योंकि सूट साड़ी एक जगह मिक्स हो जा रहा है ना, तो पता नहीं चल रहा है कि ये भी है एक सूट, मेरे पास नए सूट भी हैं। उसके अलावा एक और साड़ी है, ये साड़ी मैंने लिया था अरुण से ही लिया था, अभी जब बीच में जाती थी ना शॉपिंग करने, ये साड़ी भी बहुत अच्छी है, मतलब ऐसा है ना ये साड़ी कि
वो नहीं है, ज्यादा ऐसे ताम झाम वाली साड़ी होती है वो नहीं है, सिंपल है। बट ये किसी वैसे फंक्शन में बहुत अच्छी लगी, जैसे कोई ऐसी जगह जाते हैं ना सिंपल सा, किसी सिंपल से सेरेमनी में। ये भी एकदम नई है, इसका भी ब्लाउज व्लाउज सब बनवा के मैंने रखा हुआ है। आप लोग अब मुझे बताएं, ये कमेंट करने वाले हो कि इतने नए कपड़े हैं फिर भी हमेशा रोती रहती है कि कपड़े नहीं है कपड़े नहीं है। तो आपको पता है ये मेरे साथ नहीं, हर एक लेडीज के साथ ये इश्यू होता होगा कि जब हमें कहीं जाना हो, जब हमारे यहाँ पे कोई ऐसा फंक्शन हो, जब हमें समझ ही नहीं आता कि हमारे पास कपड़े हैं नहीं है, ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है, इसका तय खराब हो गया है, ऐसा लगता है ना कुछ है ही नहीं, नया लेना ही पड़ेगा। अभी भी है हमारे घर पे ना काफी सारे फंक्शंस और फेस्टिवल्स आएंगे, तब देखना ऐसा लगेगा कि है ही नहीं, नया खरीदना पड़ेगा, नया लेना पड़ेगा। ये मुझे पता है कि ऐसा होगा, क्योंकि हमारे साथ दिक्कत क्या होती है ना कि आप लोग भी हमारे लुक का इंतजार करते हो, आप लोग भी हमेशा सोचते हो कुछ नया आएगा कुछ अलग सा आएगा, तो उस चक्कर में ना नए के चक्कर में थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लग जाती है। तो इसको भी हमने तय लगा लिया अच्छे से, वाओ मेरी ये साड़ी तो बहुत सुंदर है। एंड ये देखो अच्छी है ना, ये साड़ी तो किसी फंक्शन में पहन लूंगी मैं, जैसे तीज भी जा रहा है ना उस टाइम पे याद रहा अगर तो, इसीलिए मैंने सोचा है कि आज ना एक जगह करके रख दूंगी कि जब कोई फंक्शन वैसे आए ना तो बताऊंगी तो याद रहे कि हाँ आपके पास है। अरे यार इसका ब्लाउज कहाँ गया, इसका ब्लाउज ये क्या है वो कैरेट, ये नहीं है इसका ब्लाउज शायद मेरे घर होगा, देखूंगी। ये एक और हो गया ना ये साड़ी, और गाइस मेरी एक ये वाली साड़ी आप लोगों को बहुत पसंद है ना, ये साड़ी भी मैंने एक बार ही पहनी है पर इसका पेटीकोट खराब कर दिया था हमारे। ये वाली साड़ी बहुत अच्छी लगती है ना, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। ये साड़ी मैंने 10,000 में लिया था, और ये वाली जो साड़ी है ये मैंने लिया था लाजपत नगर छठ पूजा के टाइम पे, छठ में पहनने के लिए मेरे हस्बैंड ने दिलाया था, लेकिन ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा हल्का लगा था, फिर मैंने इसको नहीं पहना था। तो मैंने ये सचिन भाई के यहाँ पहना था, इसका पेटीकोट लाना है मुझे क्योंकि पेटीकोट इसका है छोटा हो गया था, सो वो लाना है। मैं इसको इसमें रखती हूँ, इधर रखती हूँ। अब इसमें डाल दे, मैं नेक की साड़ी एक जगह सोच रख दूं, सिल्क की साड़ी एक जगह और बाकी सब एक जगह ऐसे करके रखती हूँ। सबसे पहले जो नई साड़ियाँ हैं वो मैं रख देती हूँ यहाँ पे, वो नहीं दिख रही। साड़ियों का कलेक्शन मैंने सोचा यहाँ रख दूँ, और भी अभी मेरे पास नई साड़ियाँ, एक तो ये वाली है ये भी नई है, ये मैंने कब लिया था, ये नेट की साड़ी है, ये भी जब मैं अभी अपने घर गई थी तो लिया था, ये भी नई साड़ी है, इसको भी पॉलिथीन में कर देती हूँ। इसका ब्लाउज मुझे लग रहा है सिलने को लिए गया है, ये वाला है इसका जो पेटीकोट है वो,
अभी और है मेरे पास मेरी नई साड़ियाँ, और मुझे लग रहा था कि मेरा आप लोग मुझे पक्का गाली दोगे कि इतने नए साड़ी रखी है ये लड़की और हर उसमें रोती रहती है। सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता था कि इतना सारा नया साड़ी मेरे पास है जो मैंने यूज नहीं किया। आज पता चला है जब मैं खोल के मैं साफ कर रही हूँ तब, ये तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था इतने दिनों से। और कौन सी है नई साड़ी, ये भी नई है। इसका ब्लाउज, ये भी मेरी नई साड़ी है, ये भी मैं गांव गई थी तब मुझे मिली थी। ये भी मेरी नई साड़ी है, इसका ब्लाउज देखते हैं कहाँ है। और कहाँ मेरी नई साड़ी, और ये भी मेरी नई साड़ी है। सो गाइस, ये तीन और नई साड़ी मिल गई मेरी, जिनके ब्लाउज का भी अता पता नहीं है। ब्लाउज बाद में ढूंढ के फिर इसी में रख दूंगी। ये साड़ी भी बहुत अच्छी है ना, एकदम सिंपल है। ये तो मैंने मिंत्रा से ली थी, ये कुछ वैसा कभी कभी चाहिए होता है ना कि सिंपल सा कुछ हो, सिंपल सी जगह हो, सिंपल सी जगह जाना हो, तो उसके लिए। हैवी, एकदम हैवी रेड कलर का ब्लाउज है, उसको देखना पड़ेगा कहाँ है। इसका ब्लाउज तो मैंने शायद अभी बनवाया नहीं है और बनवाऊंगी भी नहीं, क्योंकि ना उस पर ग्रीन कलर का ब्लाउज एकदम सही चला जाएगा, तो पहन लूँगी क्यों फालतू में इतने ब्लाउज बनवाओ बिना मतलब में। इसको इसमें रख के नई साड़ियों को एक जगह कर देते हैं। देखूंगी ना ये वाली साड़ी अच्छी लग रही है, मम्मी को दे दूंगी, अभी रखती हूँ बाद में मम्मी को दे दूंगी, क्योंकि ये हल्की सी लग रही है, उनके यूज में आ जाएगी। गाइज, अभी फ़िलहाल मैंने जो मेरी नई नई साड़ियों का कलेक्शन था, मतलब जो मैंने अभी यूज़ नहीं किया है, सब जो नया था वो एक जगह करके रख दिया, बाकी अभी मैंने कुछ फिर नहीं किया, मैंने सब कुछ वैसे ही अभी छोड़ दिया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और फिर मैंने सोचा कि बाद में कर लूँगी। सो कैसा लगा हम मेरी नई साड़ियों का कलेक्शन, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन सी साड़ी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, और आने वाले अगर कोई फंक्शन हो मेरे घर पर तो इनमें से मैं कौन सी पहनूँ, ये भी कॉमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। बाय बाय।